पहला क्वेश्चन कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज सबसे जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक कंपनी का क्या, क्या होता है प्रोस्पेक्ट एनुअल रिपोर्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक कंपनी का होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसे हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं इसलिए आंसर सी इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर कंटेन इन इट्स ए प्रोस्पेक्टस एनुअल रिपोर्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशनिएशन जो रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के कंपनी के वो क्या क्या होते हैं तो वो होते हैं ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु इज नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी कंपनी का चार्टर हम किससे कहते हैं ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बी है बाई लॉज सी है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड डी है प्रोस्पेक्टस तो कंपनी का चार्टर पूछे तो वो क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर टू लैख तो मिनिमम जो पेड अप कैपिटल होता है कंपनी के लिए वो कितना होता है फाइव लैख इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है द नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज बाय रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन The approval of the union government and a special resolution with the approval of the central government. कहता किसी कंपनी का नाम अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेशल रिजॉल्यूएशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा हमें अप्रूव कराना पड़ेगा और स्पेशल रिजॉल्युशन पास करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है द डिफाइंस अ कंपनी रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड ठीक है ऐसा कौन सा है जो कंपनी का रिलेशन शो करता है प्रोस्पेक्टस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सी है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डी है स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड ऑप्शन ठीक uh, है तो इन चारों में से कौन सा है जो एक कंपनी uh, का रिलेशन डिफाइन करता है तो वो है मेमोरेंडम एसोसिएशन जिसे हम पार्षद सिमानियन कहते हैं इसलिए ऑप्शन इस बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मे बी रिड्यूस्ड बाई एन ऑर्डर रिजोल्यूशन स्पेशल इज रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डी है ऑप्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द कंपनी लॉ बोर्ड

सेपरेटेड रिजोल्यूशन पास बाई अ डैस मेजोरिटी सिंगल टू बाई थर्ड थ्री बाई फोर्थ की फाइव बाई सिक्स कहता है कि एक डायरेक्टर का इलेक्शन करने के लिए जनरल मीटिंग में कितना उसको मेजोरिटी चाहिए तो कितना चाहिए सिंगल मेजोरिटी चाहिए इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन कहता है डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड ए वैन एवर देर इज आर नो प्रॉफिट्स बी वैन इफ देर आर प्रॉफिट्स सी है इफ दे आर आर अ नो प्रॉफिट्स एंड डी हैज ऑनली वेन द डायरेक्टर्स रिकमेंडेडेड जो भी प्रेफरेंस कैपिटल पर जो लाभांश होता है जो डिविडेंट होता है वो हम किसे पेड करते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जब डायरेक्टर्स उसे रिकमेंड करें तभी होगा इसलिए ओनली वेन द डायरेक्टर्स रिकमेंडेड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एट डिस्काउंट एट प्रीमियम शेयर्स को हम जानते हैं कि तीन तरह पे इशू किए जाते हैं एट पार एट डिस्काउंट एट प्रीमियम लेकिन एट डिस्काउंट पे 2000 किसी शख्स में अब नहीं डिस्काउंट पे इशू किया जाता है इसलिए ऑप्शन डी शेयर्स एट पार का मतलब हुआ कि जो हमारी फेस वैल्यू अगर हमने दस रुपये का शेयर है और दस रुपये में है तो उसे हम क्या कहेंगे फेस वैल्यू एट डिस्काउंट कहेंगे दस का शेयर नौ में बिक रहा तो एक रुपये डिस्काउंट हो जाएगा एट प्रीमियम अगर वही शेयर दस का बारह में तो दो रुपये क्या हो जाएगा प्रीमियम हो जाएगा ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर ऑलवेज ऑनर्स क्रेडिटर्स कस्टमर्स एंड ऑल ऑफ दीज ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं कंपनी लॉ के जिससे आपको इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं ठीक है तो डिवेंचर होल्डर से कंपनी के क्या होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं ठीक है इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ऑन अ शेयर ऑफ रुपीज हंड्रेड ऑफ अ कंपनी ए शेयर होल्डर हैज ऑलरेडी पेड रुपीज थर्टी एंड हिज लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू हंड्रेड थर्टी सेवेंटी की टेन एक शेयर है सौ कंपनी शेयर होल्डर ऑलरेडी उसे 30 पे कर दिया है तो अब लाइबिलिटी उसकी कितनी है आ,

कंपनी के पावर में रहे इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है विच आर कंपनीज नीड नॉट हैव देयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसा कौन सा है जो कंपनी की खुद की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं होती हैं ए अनलिमिटेड कंपनी बी है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी सी है प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड डी पब्लिक कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स तो इसमें से कौन सा नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा पब्लिक कंपनीज दैट इज लिमिटेड बाय शेयर

A shareholder purchased in the open market shares of the company whose prospectus contained some misstatement. And he A hai, A resumed the contract only but cannot claim damages. B can claim damages only but cannot resign the contract. C hai, has uh, no remedy against the company, and D A has remedy against the director responsible for the issue of the prospectus. एक शेयर होल्डर है वो परचेस करता है ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को तो जब प्रोस्पेक्टस सेम सेमेंट तो वो क्या होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा ही हैज नो रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी कंपनी के अगर कोई भी रेमेडी नहीं रहेगा नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे अंडर राइटिंग मीन्स ए सेलिंगउंट बी परचेसिंग प्रॉपर्टी टू परचे इनके अंडर आइटिंग का मतलब क्या होता है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्री टू परचेज शॉर्ट फॉल ऑफ शेयर्स इनपनी इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डी है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द डिबेंचर तो शेयर कैपिटल एक कंपनी का मतलब होता है जिसमें समता भी हो मीन्स इक्विटी शेयर भी हो और प्रेफ्रेंस शेयर कैपिटल दोनों हो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है शेयर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाई कंपनी सेक्रेटरी टू डायरेक्टर टू डायरेक्टर्स ऑन द कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑल डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी कहता है जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो किस लिए जरूरी होता है किसका साइन तो टू डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट ए सेक्रेटरी शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ ए कंपनी लॉ टैक्स लॉ लेबर लॉस ऑल ऑफ दीज तो एक सेक्रेटरी जो होता है हैव नॉलेज ऑफ किसके बारे में होना चाहिए कंपनी लॉ के बारे में इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ द डे है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस सेल ऑफ शेयर्स शेयर्स ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ एंड ऑल ऑफ दिस कहता है कोई शेयर्स का ट्रांसमिशन करना है तो किस केस में होगा तो ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप भी आप लोग को ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन समझ में आएंगे इसे आप लोग जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप लोग को रिवाइज़ होगा और पेन कॉपी लेके कर आपको जितनी बार इसको लिखेंगे उतनी बार आपको प्रैक्टिस और, और एग्जाम में आपको ऑप्शन तुरंत टिक कर देंगे ठीक है तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और जब आपको क्वेश्चन एम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो इसलिए वीडियो को जितनी बार भी देखेंगे उतना आपका रिवाइज़ होगा ठीक है ओके थैंक यू